मेरा नाम है तनवीर अहमद, एसटी होम किचन गार्डनिंग से। आज हल्की हल्की सी खुशी मुझे हो रही है आज, क्योंकि एक लौकी को मैं हार्वेस्ट करने वाला हूँ। लेकिन हार्वेस्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप भी अच्छे साइज की लौकी को किस तरीके से अपने घर के अंदर हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम सीजन की बात कर लेते हैं। क्या आप लौकी को अभी अपने घर के अंदर लगा सकते हैं? कद्दू को जी बिल्कुल अभी लगा सकते हैं, आप अप्रैल के मंथ के अंदर लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में कुछ ज़्यादा गर्मी है तो आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकती हैं, या वहाँ पे लगा सकते हैं जहाँ पे दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, दरख्त के करीब आप लगा सकते हैं। फुल गर्मी के अंदर भी आपको लौकी बहुत अच्छे साइज की मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कभी छांव आ जाएगी, कभी धूप आ जाएगी। ऐसे एक कंडीशन के अंदर लौकी के पौधे फुल गर्मी के अंदर बहुत अच्छा सर्वाइव करते हैं। एक लौकी के पौधे के लिए हमें टोकरी का साइज कितना चाहिए? अभी जो आप मेरे पास ये टोकरी देख रहे हैं, इसकी जो डेप्थ है वो 8 से 10 इंच के करीब है, और जो इसकी चौड़ाई 1 फीट है, लंबाई 1.5 फीट के करीब है। और इसके अंदर जो लौकी का ये वाला पौधा लगा हुआ है, आप इस ये सारे ओवरऑल पौधे देख भी रहे हैं कितनी हाइट पे ये चले गए हैं। आप इसको इससे थोड़ी सी ज़्यादा मिट्टी भी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा मिट्टी देंगे तो लौकी की बेलें इससे भी ज़्यादा बड़ी होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप ग्रोइंग बैग इस्तेमाल करते हैं 24 इंच वाला, तो उसके अंदर सिर्फ लौकी का एक पौधा लगेगा। इसी तरह ये मेरे पास यहाँ पे एक टप पड़ा हुआ है, तो टप के अंदर मैंने देखें एक पौधा लगाया हुआ है। इसका साइज़ भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा बन जाएगा, और टप के अंदर मिट्टी भी आपको पता है काफ़ी अच्छे साइज़ की आ जाती है मिट्टी। यहाँ पर मिट्टी कैसी होनी चाहिए? नर्सरी से आप बल मिट्टी ले सकते हैं, नहीं है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप गार्डन सॉइल लें, उसके अंदर बारीक रेत होती है वो मिक्स कर लें 5% के करीब, और गाय के गोबर को मिक्स करके अच्छी तरह वो मिट्टी आप फिल कर सकते हैं। गाय के गोबर को हमेशा आपने बारीक कर फिल करना है मिट्टी के अंदर, ताकि आपकी मिट्टी भुरभुरी भुरभुरी सी बन जाए। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक लौकी, यहाँ से पहले एक लौकी यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, बेहतरीन साइज की एक लौकी हमारी बनकर तैयार हो चुकी थी। इसको उतारना इसलिए मैंने ज़रूरी समझा, खाद का भी मैं आपको बताता हूँ। इसको उतारना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि ये बिल्कुल जड़ के करीब वाली लौकी, तो अगर इसको मैं अभी ना उतारता, इसको थोड़ा सा बड़ा होने देता, तो ये पूरे पौधे का असर अपने पास ले लेता। ये वाली लौकी असर क्यों लेता? क्योंकि इसने अपने अंदर बीज बनाने थे, अपने बीज को इसने मचोर करना था। जो जड़ के करीब सब्जी होती है, उसका जो बीज होता है वो बहुत हेल्दी होता है, उसके जो टिश्यू वगैरह है वो अच्छे तरीके से बन जाते हैं, और उसको जब आप नेक्स्ट सीजन के अंदर लगाते हैं तो वो बहुत अच्छा जर्मिनेट होता है। और इसी वजह से ये पूरे पौधे की एनर्जी को ले रहा होता है, क्योंकि हमने पौधे ज़मीन के अंदर तो लगाए नहीं हुए, तो टोकरी के अंदर लगाते हैं, लिमिट के अंदर हमारे पास मिट्टी मौजूद होती है, तो इसी वजह से फिर पौधे की जो ग्रोथ है ऊपर से वो रुक जाती है। अभी मैंने इसको यहाँ से निकाल लिया, अब मेरे पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी। जो इसके ऊपर लौकी आएंगी वो लौकी भी बड़ी होती रहेंगी और पौधा भी बड़ा होता रहेगा। वो लौकी इतना ज़्यादा असर नहीं लेती जितनी सब्जियां जो जड़ के करीब वाली होती हैं, वो सबसे ज़्यादा असर लेती हैं। आप कोशिश किया करें कि उन सब्जियों को सबसे जल्दी हार्वेस्ट किया करें, ताकि पौधे की ग्रोथ के ऊपर अफेक्ट ना पड़े। अभी बात कर लेते हैं खाद की, कि मिट्टी के अंदर मैंने मिक्स किया था गाय का गोबर, मिट्टी और गाय के गोबर को मिक्स करके मैंने टोकरी के अंदर फिल कर दिया। इसके बाद जब पौधा लगाने लगा था तो मैंने वर्मी कम्पोस्ट इस्तेमाल की थी। एक दोस्त कह रहे थे कि वर्मी कम्पोस्ट महंगी है, बिल्कुल महंगी है। आम मार्केट से आप 1 kg, 2 kg, 5 kg लेंगे तो आपको बिल्कुल महंगी पड़ने वाली है। अगर आप वर्मी कम्पोस्ट ज़्यादा लेंगे, किसी फार्म के अंदर से जाके ले लेंगे, तो आपको कम रेट के अंदर वो वर्मी कम्पोस्ट मिल जाएगी। मुझे अभी जो कम रेट में मिल जाती है, तो मुझे मिलती है फैसलाबाद में। अक्सर मैं वीडियो के अंदर उस भाई का जिक्र कर रहा होता हूँ, इस वजह से उनकी वर्मी कम्पोस्ट अच्छी है, और दूसरा उनका रेट जो आम वर्मी कम्पोस्ट सेल कर रहे होते हैं उनसे कम रेट है, और तीसरा फ़ायदा उनका ये है कि वो अपनी वर्मी कम्पोस्ट के अंदर मिट्टी मिक्स नहीं करते। बाद वर्मी कम्पोस्ट वाले मिट्टी मिक्स करते हैं ताकि वर्मी कम्पोस्ट का वज़न ज़्यादा हो जाए वेट करने से, उससे फिर खरीदने वाले को नुकसान होता है। अगर आप वो भाई से रब्ता करना चाहते हैं तो आपको ये नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, तो आप कर सकते हैं उनसे रब्ता। अगर आप लाहौर के कहीं करीब रहते हैं तो मरीद के करीब कोई एक नया फार्म खुला है, तो अगर मैं उधर गया तो इंशाल्लाह वो उस फार्म के बारे में भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा कि आप लाहौर के एरिया के करीब कहीं रहते हैं तो वो फार्म से भी आप वर्मिंग कम्पोस्ट को
परचेज कर सकते हैं। आपने परेशान नहीं होना, पाकिस्तान के अंदर वर्मी कंपोस्ट का काम बहुत जल्दी से तेज़ी से बूस्ट अप हो रहा है। जितना बूस्ट अप होगा हर मेंबर को, हर सब्सक्राइबर को, हर तमाम पाकिस्तानियों को कम रेट के अंदर वर्मी कंपोस्ट मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। वर्मी कंपोस्ट को मैंने इस्तेमाल कितने वक्फे के बाद किया, हर 8 से 10 दिन बाद आपने इस्तेमाल करना है। इस टोकरी के अंदर 2 चाय वाले कप वो आपने भरकर डाल देने हैं। मैं भिगो कर वैसे डालता रहा हूँ, भिगो के डालने का फ़ायदा ये होता है कि खाद का असर जल्दी जड़ों के पास चला जाता है और पौधा जल्दी से खाद के असर को लेना शुरू कर देता है। ये देखें जी, लौकी का साइज़ हमारे पास अच्छे साइज़ का बन गया था एक, जो मैंने इसको निकाल लिया था। मुझे परेशानी लगी हुई थी क्योंकि मेरी बेल की ग्रोथ ज़रा थोड़ी सी रुक गई थी इस लौकी की वजह से। तो इसका जो नेक्स्ट रिज़ल्ट आता रहेगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाँ, आपने पोलिनेशन करना नहीं भूलनी, क्योंकि अगर आप पोलिनेशन नहीं करेंगे तो लौकी आपके छोटे साइज़ की ही येलो होना शुरू हो जाएगी। उसके ऊपर अलग से एक वीडियो मैं बना दूँगा अगर आप कहेंगे तो, क्योंकि ऑलरेडी भी मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।